और जी अब मैं अब जिस गेस्ट को बुला रही हूँ ना, ये तो कोई क्या खा के पैदा हुए हैं सभी, क्या खाऊं मतलब के ऐसी बातें करते हैं कि आपको आज मैं बताने वाली हूँ, आपको फिट्स पड़ने वाले हैं हंसी के कि मैं कॉमेडियन नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रही, कोई बुरी बात भी नहीं है कॉमेडियन होना, लेकिन एक्टिंग करते हैं मगर उनकी अंदर खुद ही स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो उनकी बातें सुनने से हंसी आ जाती है ना, मतलब कुछ की कुछ बना देते हैं और अच्छी जमती है, खासतौर पर जब ये दोनों एक साथ आते हैं ना अब्बा उनके डायरेक्टर हैं, वो लाओ बाली से एक्टर हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी काम कर लेते हैं कभी नहीं करते, तो आपको इसलिए थोड़ा सा कम कम नजर आते हैं। आइए हमारे शो पे दूसरी दफा आ रहे हैं, पहली दफा टांग तोड़वा के आए थे, अभी सही होगी टांग, अभी सही है, अभी सही है, शुक्र है अल्लाह का। आइए वेलकम करते हैं उन्हें और जानते हैं खुल जा सिम सिम में उनके कौन से राज छुपे हैं। हम वेलकम करते हैं जी रजा तालेश। सुबह जो आई है तेरी बल्के झूम, अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स मेरे शो पे पहली दफा अपेयर हुआ व्हील चेयर के साथ, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए टांगे दुरुस्त हैं, चल सकता है, भाग भी सकता है। मैं आपके साथ उधर आ जाऊं? आ जाए, जाहिर यही सीट बची है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। अच्छा आप सब में सबीना और रजा तो जानते हैं दूसरे को, आप सब एक दूसरे को जान, आप भी जानते होंगे शायद? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, बस इनसे आप किस किस को जानते हैं? जानते हैं। नहीं वैसे ऐसे तो जानता है ना बंदा, क्योंकि रजा को जानता हूँ। हाँ जी दोस्ती है हमारी। Have you been friends? पहली दफा मिला है कोई आपस में कोई? I think हम पहली दफा मिल रहे हैं। ये हाँ, ये ऐसा बहुत दफा होता है, मैं इन दोनों से पहली दफा मिल रही हूँ, because मैं काम कम करती हूँ, बाकी तो ना मैं इनसे पहली दफा मिल। हाँ चलो हेलो हाय कर लो, हमारी मेकअप रूम में इतनी हो जाती है अगले 4-5 घंटे। मैंने हेलो नहीं किया, हाय हाय बहुत किया, हाय मेरी एक चीज के, हाय मेरी एक चीज, ये हमने सुन लिया था। एंटर होते ही हमें पता चल गया, कैसे पकड़ूं क्या करूं, गिर जाऊंगी। प्रैक्टिस करो बेटा, शरारे इतने ही लंबे होते हैं जब शादी होती है। हाँ ये वैसे ये शरारते लंबी है इनकी। तो वही ना, वो बेचारी वो दुल्हन को कोई एक गरारा, एक तो गरारा पहन ले और मुश्किल, दो पांचे एक खानदान वाले यहाँ से पकड़ लेंगे क्या? और वो मैं कहती हूँ यार बेचारी का शेप खराब कर रहे हो, पीछे से पकड़ते हैं गरारे हम, तो वो यहाँ कजन आएगी मैं आऊंगी मूवी में तो यहाँ से पकड़ लिया, अब बेचारे के गरारे यूं इमेजिन वो क्या लग रही होती वीडियो में, तो वो गरारे ना पहना करे बहुत मुश्किल होती है। अच्छा जी किसका संदूक हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं? हाँ अच्छा, नेक्स्ट वाले ब्रेक में हम खुल जा सुन सुन करें। ओके किसका? ओह अच्छा, जैसे मैं आप लोगों से पूछ रही, मैं अभी आपके आने से पहले प्रोग्राम में मैं डिस्कस कर रही थी कि किसी को कॉइन्स जमा करने का शौक़ है, किसी को स्टैम्प्स जमा करने का शौक़ है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कुछ आप लोग जमा करते हैं कोई चीज़ ऐसी? मैं पहले बहुत बड़ा कबाड़िया था, मैंने चीज़ जमा करना छोड़ दी। क्या कबाड़ी, कबाड़ी में क्या क्या? हर चीज़, कोई भी चीज़ होगी अम्मा कहेंगी फेंकते क्यों नहीं बेटा, अलमारियाँ भर रही हैं चीज़। Now I'm all that. अब आपने? अब मैंने कबाड़ इकट्ठा करना छोड़ दिया। आप कुछ इकट्ठा करती हैं? जूते। जूते? किसी को मारने के लिए या पहनने के लिए? नहीं पहनने के लिए। हाँ। बहुत बहुत पुराने जूते मेरे पास। हाँ। बड़े हुए होते हैं वो। भाई मेरे तो सॉक्स अभी देखेंगे, कोई स्टाइल है कि सर्दी लग रही है? नहीं सर्दी भी लग रही है और स्टाइल भी, बीइंग मॉडल कीड़ा तो डेफिनेटली कम भी करो तो वो होता है, स्टेटमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तानी होने के नाते मुल्क में या मुल्क से बाहर कहीं भी हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। PIA पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन इदारा है और इसकी मजबूती के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। ARY की मुहिम PIA के लिए, इसमें रंग भरते हुए मैं PIA के अबूधाबी ऑफिस आया हूँ अपना टिकट PIA से करवाने के लिए, और मेरी गुजारिश है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वो जहाँ भी हैं PIA से सफर को तरजीह दें।